सुनो, एक व्यक्ति बार बार पुरुषार्थ करता, प्रयास करता, साहस करता है कि एक दिन कम से कम हम महाराज जी से पूछ लें। तो क्या पूछना है? अपनी अपनी बातें तो पूछी जाएंगी, और क्या। एक दिन उन्होंने साहस करके पूछ लिया, महाराज संकट में हूँ। अच्छा, संकट में है तो कोई वादा नहीं, निकट में संकट निवारण करने वाले भी है। उनके पास जाकर के कहो, महाराज वे बोलते नहीं, बुलवा दो, बोल लेंगे। सुनते हैं भगवान, कुछ देर से सुनते हैं, परीक्षा करते हैं, सब कुछ कर लिया महाराज। उन्होंने बताया, क्या बताया, तो बोलते हैं, मतलब इसका अर्थ हो गया, तुम तो पुरुषार्थ करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये शनि देवता क्या होता, बहुत परेशान हूं, परेशान हमारा। ऐसा करो, शनिवार के बाद कौन सा वार आता है? नहीं समझे? हाँ, शनि के द्वारा नई उजाला मिलता है, और न कोई वो, न महाराज सबसे ज्यादा तगड़ा तो वो ही है, चुनते बहुत कठिन है, उससे बचना कैसे करें। और हमारे यहाँ तो बहुत दिन से चल रहा है, महाराज इसका निवारण कुछ बताओ, उपाय बताओ। देखो, लोकोक्ति के अनुसार तो एक प्रकार से यही झुनते हैं, शनिवार के दिन तो हनुमान का वार होता है, मंगल होता है। अच्छा अच्छा, शनि, हाँ, वह डरने से ऐसा होता है, यदि डर को छोड़ दोगे कुछ नहीं होता, कि आप मन को साहस बनाओ और अपने जो भाग्य में होगा, आप समझते हो, तो अपने शनि के भाग्य में होगा ऐसा थोड़ी कहा गया, वो जो करेगा वो ही होगा ऐसा थोड़ी कहा गया। हाँ, प्राय करके प्रतिकूलता में संसारी प्राणी डर जाता है। डर के कारण बहुत सारी चीजें असफलता के लिए कारण बन जाती हैं। तुम तो अच्छे ढंग से पुरुषार्थ करो, आदि आदि। आपके कहने से तो हम करेंगे, लेकिन महाराज एक बात और पूछ रहे थे, ताकि मुझे साहस और आ जाएगा। महाराज, आप लोगों को भी शनि कभी लगती है? तो हम का बताए, बताओ। सुनो,
गृहस्थों को भी सब लोगों के लिए शनि नहीं लगती है, वो कहने में आता है। तो वो तो ठीक है महाराज, हम साहस कर लेंगे जैसे आप साहस करते हैं। तो आपको भी कभी साढ़े साती, क्या साढ़े साती भी बोलते साढ़े सात दूनी 15 हो जाते हैं। तो साढ़े साती वगैरह, तो हमने कहा देखो सुनो, जो व्यक्ति परिग्रह रखता है, और दुनियादारी को बहुत सारे परिग्रह होते हैं, तो ग्रहों का जो योग होता है परिग्रह के साथ जुड़ा हुआ रहता है, नहीं समझे? यदि आप परिग्रह को थोड़ा सा सीमित कर दोगे तो शनि को भी शनि लगने लग जाएगी। साढ़े सात को साढ़े सात तो कुछ नहीं, साढ़े सात दोनों मिला तो 15 हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं होता। इसीलिए हम तो लिख करके दे देंगे, हमारे पास कभी भी शनि आ ही नहीं सकता। बिजली को भी घबराहट हो गई। हमारे सब लोग पूजा करते आराधना करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आराधना में बाबा कहीं विघ्न डाल दे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम बिल्कुल कहते हैं आप लोगों को, हमारे पास वह शनि, वह भी एक ग्रह है, और जो व्यक्ति ग्रह में नहीं परिग्रह रखता है उसी के पीछे वह आगे पीछे हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, पीछे और कमंड ज्यादा ज्यादा है, लेना हो तो ले लो, देने की चीज है वो। परिग्रह का प्रभाव में, जो परिग्रह के प्रभाव में है उसके ऊपर संभव है ग्रहों का कुछ प्रभाव रहता है। इसलिए मुनि महाराज की जो आराधना करता है, वीतरागी प्रभु की आराधना करता है, उसके पास परिग्रह आना चाहता है, भागना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर रक्षा है। और आप तो चाहते ही हैं, जमाना भी है, सारे सारे दल घबरा गए थे बताते, हाँ काय के लिए नहीं, नोटबंदी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, इस प्रकार के आरक्षण आरक्षण इत्यादि के बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, जल्दी जल्दी सोच करके बता दो, तो सब लोग एक हो गए बताते, सब लोग एक हो गए थे काय में, हाँ तो वो सब लोग कर दिया और बता दिया, दूसरे दिन ही क्लियर कर दिया, हाँ सब ठीक हो जाएगा, इसमें हम एक हैं। मतलब हर एक व्यक्ति वोट के लिए ही सब कुछ कर रहा ऐसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगता? बिल्कुल, अभी 1919 की तैयारी हो रही, अभी 18 चल रहा है, मतलब बाजार बड़ा तो क्रम से चल रहा है। एक चुनाव होगा ही नहीं, दूसरे चुनाव की बात आ जाती है,
पांच साल काहे के लिए है, दूसरे चुनाव की तैयारी के लिए है वो। काम कुछ नहीं कर, काम तो हो जाता है, भारत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सब कुछ व्यवस्थित पहले से, कैसे, भगवान के भरोसे से चलता है यहाँ पर सब कुछ। मालिक की मर्जी, कम से कम पढ़े लिखे हो करके भारत को सोचना चाहिए क्या कर रहा। इतनी चुनाव के बारे में पहले लोग आ करके बुला करके वोट देते थे, अभिमत देते थे, नहीं आपको ही करना है। ये हो ऐसा रहा है, कैसा हो रहा है। नाई की दुकान में कोई जाता है तो कहते हाँ हम बना लेंगे, 10 मिनट में आपको ठीक कर देंगे। बैठ जाता है और ठीक करके, हाँ उठो, उठता नहीं वो, उठो, उठता नहीं। अरे क्या हो गया, अरे 5 साल के बाद तो उठना सबको है। कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, क्या है वहां पर गूंद लगी है क्या, चुंबकीय तत्व है क्या पता, किसी भी प्रकार से वहीं पर रहना चाहता है। काम करने के लिए, बैठने के लिए नहीं हो कुर्सी, ध्यान रखो। जो कुर्सी है वो बैठने के लिए नहीं, ऊपर जाकर के देखना होता है कहाँ कहाँ पर किसकी किसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए थोड़े से ऊपर उठने के लिए रख रखा है। हाँ, यदि करना चाहते सभी लोग बैठना चाहते हो तो एक ऐसा टेबल की व्यवस्था करवा दो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसी प्रकार उस पर सब लोगों को बिठाओ, सब बैठ जाओ, बैठना ही तो है, पांच साल बैठना है। बिल्कुल, आप खड़े होंगे पैरों में झुंझुनी आ सकती, बैठ जाएंगे तो और जल्दी पैर सो सकते हैं, किंतु आप दिन भर रात भर इधर का उधर काम करते हुए रहेंगे और आपकी शारीरिक स्थिति मजबूत होगी, रक्त संचार में कमी नहीं आएगी। अब बैठने के जो आप संकल्प 5 साल ले रहे हो, ये ठीक नहीं। यदि बात आप लोगों को अच्छी लग रही है, परिग्रह के पीछे पढ़ोगे, परिग्रह आपके पीछे कभी भी नहीं आएगा और भागता जाएगा। आपकी ही छाया आप पकड़ना चाहते हो, पीछे से सूर्य नारायण है, आप इधर भाग रहे हो, निश्चित है वह भागता ही जाएगा, भागता ही जाएगा, कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए परिग्रह के पीछे मत पड़ो और उससे ठीक विपरीत चलो, परिग्रह आपके पीछे आ जाएगी। गुरु ने ये बहुत अच्छी युक्ति दी है, धन की ओर मत जाओ, धन तो जड़ है। इसीलिए आप लोग कहते हैं ना, क्या है बताओ रुपया धन क्या है, है? हाथ का, अरे हाथ तो मुट्ठी खुल नहीं रही आजकल, नहीं समझे, इसीलिए गड़बड़ हो रहा, जिसको आप चाहोगे मिलेगा नहीं। धनार्थी नहीं बनाओ किंतु धर्मार्थी बनो, धर्म का ही एकमात्र हमें सहारा है, यह सब लोगों को कहना है। आप लोग उन नेताओं के पीछे मत रहो
नेताओं को बनाने वाले आप ही हो। वो 5 साल अच्छे काम कर सके ऐसे निगाह थोड़े रखो, नहीं समझे? हाँ, आज सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा, बताते अभी सुनाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति, भगवान जितने भी हैं मंदिर वगैरह सब में गए हैं। अगर है? नहीं नहीं, अगर मैं आ ही जाऊंगा तो अगरबत्ती ये भारत है, इसलिए कह रहा हूं कि यह भी एक बहुत बड़ा भूत है। परिग्रह के पीछे पड़ोगे तो भूत आपके पीछे पड़ेगा, भागना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए निश्चिंत होकर के कुछ काम करना चाहते हो, निस्वार्थता के साथ आप जनता की सेवा करो और जनता के माध्यम से आपका सब कुछ होने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र है। तो उनको बात समझ में आ गई, महाराज ये बात है, आपके पास परिग्रह था तो उसको छोड़ा, इसलिए आपके पास शनि और साढ़ी साथी नहीं आती है। और आप लोग भी यदि चाहते हो बोलो आओ। इसलिए परिग्रह प्रमाण बना दो। परिग्रह प्रमाण का अर्थ ये है, जैसे भोजन आप मात्रा के अनुसार लेते हैं, जब तक पुनः भूख नहीं लगती तब तक नहीं खाते हैं, उसी प्रकार परिग्रह जितना काम में आता उतना करो, जो काम में नहीं आता वह दूसरे के लिए सहयोग है तो सहयोग दे दूँ। इस प्रकार आप लोगों के यहाँ यह जो परंपरा चलाई है कि भैया बोलियां लगा दो, कोई बात नहीं, उसी निमित्त से यदि निकलता है, नहीं समझे, ठीक है, उसमें कोई वादा नहीं, ठीक है, कोई वादा नहीं, लेकिन ज्यादा भरना ठीक नहीं, नहीं समझे, ज्यादा भरना ठीक नहीं है, जितना आवश्यक उतना ही करते जाओ। यही एकमात्र निष्परिग्रह अथवा परिग्रह प्रमाण व्रत का तात्पर्य है। श्रमण लोग परिग्रह से पूर्णतः मुक्त रहते हैं। श्रावकों को भी कहते हैं, तुम पूर्ण मुक्त होना चाहते हो तो ज्यादा नहीं रखो, जितना आवश्यक उतना। ऐसा नहीं कि दूसरे को देख करके आप रखो, तुम अपनी अनुसार चलो, सब कुछ शांति होगी। भावना एक रखता हूँ, आप लोग यद्यपि दान के प्रति आस्था रखते हैं लेकिन उसको आगे भी निभाते जाओ, ताकि जनता की सेवा आप लोग अच्छे ढंग से करते जाओ। क्योंकि जब तक आप परोपकार को याद रखोगे तब तक निश्चित है कि वह धर्म वहाँ पर पला रहेगा, और यदि इसको नहीं रख पाओगे तो आप कितने भी जा करके लोभ के कारण कुछ त्याग करोगे वह आपके लिए कभी फलेगा नहीं। जहाँ पर खर्च करना है वहीं पर खर्च करने से अर्थ आपके साथ रहता है, और यदि नहीं करते हैं तो सब मोह के चपेट में आ जाता है। आपको मोह विजेता बनना है। क्या बनना है?